उत्तर प्रदेश की प्रतिभा को निखारने के लिए OTT प्लेटफॉर्म डॉन सिनेमा यूपी ने लखनऊ में अपने प्रोडक्शन हाउस की ओपनिंग की है। डॉन सिनेमा यूपी का एक मोबाइल एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें कई तरह की मूवीज और वेब सीरीज देखने को मिलेंगी। कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से सिनेमा हॉल बंद रहे, लेकिन इस दौरान लोगों को एंटरटेन करने का एक बड़ा साधन OTT प्लेटफॉर्म रहा। अब आपको और भी रोमांचक वेब सीरीज और मूवीज से रूबरू कराने के लिए OTT डॉन सिनेमा यूपी ने लखनऊ में अपने प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत कर डाली है। डॉन आशिक बनाया आपने, कुछ कुछ होता है, मैं हूं ना जैसे लगभग 200 फिल्में बना चुके डॉन सिनेमा के फाउंडर और CEO महमूद अली समेत सविता मिश्रा और सर्वनंद मिश्र भी मौजूद रहे। अश्लीलता है उसको खत्म किया जाए और अच्छी सामाजिक और पारिवारिक फिल्में वेब सीरीज बनाई जाए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा देखें और हमें सराहें। बस यही हमारा एक प्रयास है। देखिए पारिवारिक वेब सीरीज बनाएंगे, पारिवारिक है, सामाजिक अपने नहीं, ऐसा है, मैं आपको क्लियरली, जैसे जब मैंने डॉन सिनेमा शुरू किया तो जब हमने बॉम्बे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो सबसे पहला टाइम्स ऑफ इंडिया का सवाल यही था जो सवाल आपने पूछा था। अब तक डॉन पे हमने 9 वेब सीरीज और तकरीबन 28 फिल्में रिलीज की है जिसमें एक भी फिल्म इरोटिक नहीं है, बोल्ड नहीं है। इरोटिक हम ग्लैमर के खिलाफ नहीं है। मैंने आशिक बनाया आपने बनाई थी और आशिक बनाया में हमने पूरा गाना बोल्ड शूट किया था, लेकिन वो यूनिवर्सल था, बच्चों ने भी देखा, बूढ़ों ने भी देखा और उसको सब लोगों ने सराहा। तो ग्लैमर एक अलग चीज़ होती है और इरोटिक और बोल्ड अननेसेसरी जो लोगों ने वेब सीरीज़ का मतलब ये समझा था कि हर एक 20 मिनट की सीरीज़ में 2 सीन बेड सीन होना चाहिए, अननेसेसरी इरोटिक्स बनाए, हमने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी और हमने अभी लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू की है। लेकिन हमने दिसंबर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम इरोटिक कंटेंट नहीं लेंगे और ना हमने लिया है और ना हम ले रहे हैं। ऊपर वाले के कारण से हमारी अभी 7 वेब सीरीज़ की शूटिंग चल रही है जिसमें हमने एक भी कंटेंट ऐसा नहीं रखा है जिसमें हमको हमारी फैमिली के खिलाफ। हाँ, यस, वी आर इन ग्लैमर इंडस्ट्री, वी हैव टू शो ग्लैमर और हमें कोई हर्ज नहीं है ग्लैमर करने में, लेकिन बहुत थिन लाइन है ग्लैमर और इरोटिक में। सर, आपके लोगों में उत्तर प्रदेश का भी लोगो है, आपने देखा होगा, तो क्या यूपी के कलाकारों को ज्यादा मौका मिलेगा? ये खोलने का मकसद है। देखिए, हमारी बॉम्बे से इंडस्ट्री चल रही थी, जिनको काम करना था हमारे बॉम्बे आ रहे थे और बॉम्बे में आके काम करने की इच्छा जाहिर कर रहे थे। लेकिन मुझे लगा जब योगी जी ने अनाउंस किया कि अब हम यहाँ पे फिल्म सिटी लेकर आएंगे, हम यहाँ पे एक इंडस्ट्री बसाएंगे, तो यहाँ आके शूटिंग करके चले जाना, ऐसे इंडस्ट्री नहीं बसती है। हमने इंडस्ट्री बसाई है लंदन में, मैंने काम किया हूँ 7 साल, वहाँ की इंडस्ट्री ख़त्म हो गई थी। हमने 2003 में उनसे समझौता किया और 4 साल में हमने 700 फिल्में वहाँ पे शूट करके दी। तो शूट करके शूट कीजिए और वापस आ जाइए, ऐसे इंडस्ट्री नहीं बसती है। यहाँ आके आपको बेस बनाना पड़ेगा। तो वी आर द फर्स्ट, हमने रागनी फिल्म के साथ में मिलकर यहाँ पे बेस बनाया है ताकि यहाँ के लोकल कलाकारों को, कलाकार का मतलब ये नहीं होता सिर्फ एक्टिंग करने के लिए अच्छी शक्ल है और उठ के चल दिए। कई राइटर्स होते हैं, कई अच्छे डायरेक्टर्स होते हैं, कई अच्छे कैमरामैन होते हैं, कई अच्छे टेक्निकल टीम के होते हैं। आजकल VFX का ज़माना है, हर जगह से लोग VFX सीख के निकल रहे, तो हम ऐसे सारे कलाकारों को जो लोकल हो उनको काम देने के लिए ये ऑफिस खोला है, वरना बॉम्बे ऑफिस से हमारा काम अच्छा चल रहा है।